तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। लव जिहाद है क्या? लव जिहाद या जिहाद कथित रूप से मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदायों से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए लक्षित करके प्रेम का ढोंग रचना है और यह अवधारणा 2009 में पहली बार केरल और उसके बाद कर्नाटक में राष्ट्रीय ध्यान कर्षण की ओर बढ़ी। वहीं नवंबर 2009 में पुलिस महानिदेशक जेकब पुत्रोज ने कहा कि कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसके सदस्य केरल में लड़कियों को मुस्लिम बनाने के इरादे से प्यार करते हैं। जैसे कि केरल के केस में हमने आपको बताया था, अब ऐसी ही एक खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां आए दिन हत्या, बलात्कार या फिर सड़कों पर आके आंदोलन करना हो या फिर CNRC। अभी यूपी की सरकार ने नया कानून लव जिहाद ला के मुसलमानों को निशाना बनाती है। यूपी सरकार ने आरोप लगाया है कि मुसलमान जो है वो हिंदू लड़कियों से जबरन शादी का ढोंग रच रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, बिना सोचे समझे सबूतों का ध्यान रखते हुए सिर्फ कानून बना दिया। पर जब कोर्ट में ये मामला जाता है तो पूरी तरीके से धज्जियां उड़ जाती हैं, जो कि आदित्यनाथ सरकार की है, क्योंकि जब सबूत पेश करना होता है, क्योंकि लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करना है, चाहे वो CNRC हो या लव जिहाद। ऐसा ही केस इस महीने के शुरू में लव जिहाद कानून के तहत गिरफ्तार किए गए दो लोगों को उत्तर प्रदेश के अदालत के आदेश पर रिहा कर दिया। एक हिंदू महिला से शादी का पंजीकरण करा के मुरादाबाद में दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत न मिलने के वजह से कोर्ट ने दोनों को रिहा कर दिया। लेकिन इस मामले में भोपू मीडिया और उनके पत्रकार खामोश बैठे हैं। ये इतना बड़ा मसला होने के बाद भी भोपू मीडिया खामोश बैठी है। आदित्यनाथ सरकार क्या बताना चाहती है? धर्म जात ला के हिंदू और मुसलमानों में दंगे कराना चाहती है? आपकी क्या राय है इस बारे में, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें।